फोर लाइन कंपनी वाले बिल्कुल ही सोए होते हैं, क्योंकि सुबह से ना तो ये रोड की सफाई की इन्होंने, पूरा का पूरा कीचड़ जो है वो रोड पे था। पठानकोट मंडी राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर कोटला के समीप एक बस व टिप्पर की टक्कर हो गई, जिस कारण दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। जानकारी के मुताबिक निजी बस सवारियां लेकर पठानकोट से कांगड़ा जा रही और टिप्पर कांगड़ा से पठानकोट की ओर जा रही थी। इसी बीच दोनों में टक्कर हो गई। हालांकि किसी को चोटें नहीं आई है, लेकिन बीच रास्ते में यातायात बाधित हो गया है। वहीं मौके पर पुलिस पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को साइड करवा कर करीबन एक घंटे बाद यातायात बहाल हुआ। वहीं स्कूली शिक्षक, आईटीआई व कॉलेज के बच्चे भी आज अपने निर्धारित स्थान पर लेट पहुंचे। निजी बस और ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत हो चुकी है कोटला में। आप देख सकते हो वीडियो के माध्यम से कि रोड जो है वो बिल्कुल ही जाम हो चुका है, और बारिश की वजह से जो है बस या ट्रक का टायर जो है वो स्किट हो गया है, जिसकी वजह से ये भिड़ंत हो चुकी है। फोर लाइन कंपनी वाले बिल्कुल ही सोए होते हैं, क्योंकि सुबह से ना तो ये रोड की सफाई की इन्होंने, पूरा का पूरा कीचड़ जो है वो रोड पे था, और जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया है। लगभग जानमाल का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, यात्रीगण काफी परेशान हो रहे हैं। आप देख सकते हो वीडियो के माध्यम से पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे पहुंच चुका है, और साथ में स्कूल के बच्चे, आईटीआई के बच्चे, कॉलेज के बच्चे काफी परेशान है, यात्रीगण परेशान है, पुलिस प्रशासन यहाँ पे पहुंच चुका है। आप देख सकते हो लाइव वीडियो के माध्यम से कि कितने परेशानी और दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, और जाम जो है कई किलोमीटर तक लंबा लग चुका है। और ये जो कंपनी है फोर लाइन कंपनी, मनमानी तरीके से अपना काम करती है, जिसकी वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। आप देख सकते हो कि कितना जो लंबा जाम यहाँ पे लगा हुआ है, वीडियो के माध्यम से काफी यात्रीगण जो परेशान है, और ये फोर लाइन कंपनी वाले जो है वो बिल्कुल ही मनमानी तरीके से अपना काम करते हैं। ना तो यहाँ पे रोड की सफाई है, जोंटा से लेके भाली तक जो रोड है वो बिल्कुल खड में तब्दील हो चुका है। अब देख सकते हो कि रोज आए दिन कोई ना कोई हादसा पेश यहाँ पे होता रहता है। काफी स्कूल के बच्चे हैं जो परेशान है, ड्यूटी वाले परेशान है, और काफी जो लंबा जाम यहाँ पे लगा हुआ है। अभी पुलिस प्रशासन यहाँ पे पहुंच चुका है, देखते हैं क्या कार्यवाही अमल में लाई जाती है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए जवाली से अनिल छांगू की रिपोर्ट।